माय फ्रूट बास्केट, मेरी फलों की टोकरी, इसमें है एप्पल यानी कि सेब, ग्रीन एप्पल यानी कि हरा सेब, यह है सेब का दरख्त, केला, बनाना, हरा केला यानी कि रॉ बनाना, यह है बनाना का दरख्त। केले का दरख्त इस तरीके का होता है, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, बहुत किस्म के अंगूर होते हैं, काले, जर्द, हरे, ऑरेंज यानी कि नारंगी, जिसे माल्टा भी कहते हैं, टंग ग्रीन यानी कि संतरा। संतरे का दरख्त इस तरीके का होता है, फोम ग्रांट यानी कि अनार, फोम ग्रांट अनार इस तरीके का दिखाई देता है, अनार का दरख्त इस तरीके का होता है। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, ये लाल रंग की दिखाई देती है, पाम यानी कि आलू बुखारा, एप्रिकॉट खूबानी, ये नारंगी के जैसा दिखाई देता है, स्वीट लाइम मौसम्बी, वाटरमेलन तरबूज, जैक फ्रूट कटहल, ब्लैकबेरीज ये काले रंग की दिखाई देती हैं, केवी ये खट्टी होती है। उसके बाद है लीची, लीची लाल रंग की होती है, डेट्स यानी कि खजूर, ड्रैगन फ्रूट ये बहुत ही फायदेमंद होता है, चीकू, चीकू का दरख्त इस तरीके का दिखाई देता है, मैंगो यानी कि आम, रॉ मैंगो यानी कि कैरी, आम की बहुत सी किस्में होती हैं, ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, ये हम सबका फेवरेट होता है, इसलिए इसकी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आइसक्रीम और बहुत सी हमारी पसंदीदा चीज़ें। इसके बाद है कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल, गुआवा यानी कि जाम, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, फिग यानी कि अंजीर, ये बहुत ही फायदेमंद होती है। बच्चों, आपका होमवर्क है आपके घर में मौजूद फ्रूट के नाम अपनी प्याजों पर लिखना और टीचर को बताना।